हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि 200 साल पहले भारत कैसा था। आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह से जी होगी। तो आइए आज जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए थे। और फिर साल आया सन 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्यक्रम हुआ करता था। अब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दीपक जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुनार, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को ये यही नित्यक्रम अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन कलर की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की आय क्या रही होगी। पर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करते थे, जिसमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कोलरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी, इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था और इसके कारण कई सारे बच्चे की जिंदगी भी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त की कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, तो बस वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसा ही चलन होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा ही था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक ही साथ पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत, और अगर आप उस वक्त के किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।